हड्डियों के लिए और तंदुरुस्ती के लिए, स्फूर्ति के लिए कैल्शियम की भरपूर मात्रा की ये रेसिपी आपके शरीर का आयरन तो बढ़ाएगी ही, साथ ही में कैल्शियम और ढेर सारे मिनरल्स और विटामिन्स में भी आपकी मदद करेगी। सर्दी में खाइएगा या इसे गर्मी में खाइएगा, लेकिन जब भी इसे खाएंगे तंदुरुस्ती और स्फूर्ति दोनों ही आपके शरीर में आपका ढेर सारा मदद करने वाली है। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने आधी कटोरी बादाम ले लेने हैं और इनका एक पाउडर बना के तैयार कर लेना है। तो ये बादाम का पाउडर तैयार है, इसे वापस इस कटोरी में निकाल दीजिए। आप चाहें तो थोड़ा इससे भी कम बादाम का पाउडर बना सकते हैं, यानी कि इससे कम भी बादाम थोड़े ले सकते हैं। वहीं पे ये पाउडर हमें अब एक साइड रख लेना है और साथ में ले लेना है मखाना, क्योंकि मखाने में होता है कैल्शियम का स्त्रोत्र जो हमारी हड्डियों की ग्रीसिंग को बहुत तर रखता है। तो चलिए दोस्तों, हमने मखाना ले लिया है और इनको हल्का भूनना है बस 2 से 3 मिनट के लिए, और उसके बाद हमने अपने गैस कुकर देना है बंद और इनका ठंडा होने का इंतज़ार करना है। जैसे ही ये ठंडे हो जाएं, आप फटाफट से इन्हें एक प्लेट में निकाल के रख लीजिए। और आगे क्या करना है, आपको इसको भी पीस लेना है। तो चलिए दोस्तों, ये ठंडे हो चुके हैं तो इसे फटाफट से पीस के इसका भी पतला पाउडर तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, मखाने का भी पतला पाउडर होके तैयार है। तो चलिए अब एक कढ़ाई ले लीजिए, कढ़ाई में डाल दीजिए थोड़ा सा पानी और थोड़ा गुड़। गुड़ आयरन का बहुत ही बढ़िया स्रोत होता है, शरीर में आयरन की मात्रा को भरपूर रखता है। तो चलिए क्यों ना गुड़ ले लिया जाए। गुड़ हमारे शरीर में ढेर सारी चीज़ों में मदद भी करता है। इस पानी में आपको इस गुड़ को अच्छे से पिघला लेना है। तो गुड़ पिघलने में ज़्यादा नहीं, 2 से 3 ही मिनट का समय लगेगा, और उसके बाद आपको इस गुड़ के पानी को छान लेना है। तो सबसे पहले इस गुड़ को पिघलने दीजिए। लगभग हमने 100 ग्राम के आसपास गुड़ लिया होगा और इसको पूरे का पूरा पिघलने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये गुड़ लगभग अब पिघल ही चुका है, तो फटाफट से अब हम बस आधे मिनट में पूरा पिघलते ही गैस को बंद कर देंगे और इसको फटाफट से छान लेते हैं। तो गैस अब कर रहे हैं बंद दोस्तों, और ये हमने अब गुड़ को छान लेना है। दोस्तों, छना हुआ गुड़ आगे हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। अब आपको एक कढ़ाई दोबारा से ले लेनी है, नॉनस्टिक हो तो बेहतर है। ये गुड़ वाला पानी हमारा छन गया है। उस कढ़ाई में लगभग आधा कटोरी आपको डाल देना है गेहूं का आटा और 1 चम्मच सत्तू, जिसे आप भुने हुए चने का भी आटा कह सकते हैं, और अगर आपके पास ये ना हो तो आप 1 चम्मच बेसन भी ले सकते हैं। इसको आपको सूखा भूनना है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाना। लगभग 2 से 3 मिनट इसे भून लीजिए, जब तक इसमें अच्छी खुशबू ना आने लगे और ये भूनना ना जाए। तो ये लगभग भून चुका है दोस्तों हमारा, बस आधा से 1 मिनट में और इंतज़ार करूँगा, और उसके बाद इसमें डालने वाला हूँ मैं लगभग 2 से 3 चम्मच देसी घी के, और फिर इसे उस देसी घी में भी भूनेंगे। तो ये ड्राई भुना जा चुका है, समय आ चुका है इसमें देसी घी डालने का। ये देखिए, मुझे लगता है कभी भी आपने ये रेसिपी बना के ट्राई नहीं करी होगी। गुणों का भंडार है, चुस्ती और स्फूर्ति के लिए, हड्डियों के लिए, सभी के लिए बहुत असरदार माना जाता है। मेरे को हमेशा इससे असर मिला है, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे शेयर करा जाए। इसको आपको ऐसे घी में भून लेना है लगभग 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पे, और तेज़ आंच हो तो 1 से 1.5 मिनट इसे भून लीजिए मिक्स करके अच्छे से। इसके बाद दोस्तों, हमने जो ये बादाम पीस के रखा था वो डाल लीजिए और उससे इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको घी अच्छा खासा पसंद हो तो आप 1 से 2 चम्मच घी और भी बढ़ा सकते हैं। मैं इतना ही रख रहा हूँ, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा अभी और सारी की सारी सामग्री अच्छे से भून जाएगी। अभी एक मखाना बाकी है जो हमने भून के ऑलरेडी रखा हुआ है, वो हमने पहले भून लिया था जब पाउडर बनाया था, तो उसको हम अभी नहीं डालेंगे। ये तीनों चीज़ों को आप अच्छे से भूनने दीजिए, एक अच्छी खुशबू आने लगेगी, इसका रंग थोड़ा गाढ़ा ब्राउन पड़ने लगेगा, बस आपको तब तक इसको पूरा का पूरा अच्छे से भून लेना है। मुझे लगता है बस ये भूनने वाला है, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेता हूँ और उसके बाद में ये गुड़ का पानी और भुने हुए मखाने का पाउडर दोनों का दोनों इसमें मिला दूँगा।
ये बहुत ही असरदार पौष्टिक आहार वाली रेसिपी आप एक बार ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं अच्छे से भुना जा चुका है। तो फटाफट हम चलते हैं और हमारे मखाने का पाउडर जो हमने भुने का तैयार करा है और गुड़ का पानी दोनों के दोनों इसमें डाल लेते हैं। ये देखिए, गुड़ के पानी से इसमें आयरन की क्षमता हो जाती है, मीठा भी हो जाता है और हमें कैल्शियम मिल जाएगा मखाने से। और बादाम की तो जितनी ही तारीफ करूं उतना ही कम है। तो पूरे को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको अब पानी की ज़रूरत लग रही हो तो थोड़ा सा पानी आप और बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको लगे इससे ही काम चल जाएगा तो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। इसको आपको अच्छे से पका लेना है। आपको इसे तब तक पकाना है जब तक आपको ना लगे कि ये इस बर्तन को अपने आप छोड़ रहा है। ये बिल्कुल हलवे की तरह अच्छे से पक जाएगा। थोड़ा सा पानी मैंने अभी डाला है यहाँ पे, बहुत थोड़ा, आधे गिलास से भी थोड़ा कम, और बस ये अच्छे से आपको इसको पका लेना है। बिल्कुल हलवे की तरह या फिर बर्फ़ी की तरह पका लीजिए। ये बहुत ही अच्छा सा पक के तैयार हो चुका है। इस रेसिपी में गुणों का भंडार है, शक्ति अपरंपार है, मज़ा आ जाएगा इसको खा के। जब भी खाता हूँ मुझे अच्छा महसूस होता है, तो मैंने सोचा आपसे क्यों ना शेयर किया जाए। कैसी लगी ये गुणों से भरपूर रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि जितने लोग ये गुणों से भरी रेसिपी ट्राई करेंगे उतनी ही सेहत का खजाना उन तक पहुँच पाएगा। तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, मोटिवेट करना मत भूलिएगा हमें। और डिलीशियस फूड से दोस्तों जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख लीजिए इसको हमने फाइनली कैसे गार्निश करा है, कैसे तैयार करके पेट में डाला है, और ये देखिए घी छोड़ना शुरू हो चुका है, इसका मतलब ये अच्छे से पक के तैयार है। इसे फटाफट से मैं निकाल रहा हूँ एक प्लेट में, और उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा देसी घी मैं और डालने वाला हूँ, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और उससे इसका जो स्वाद है वो देखना 3 गुना 4 गुना तक बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल।